न्यू ईयर मनाने के लिए खुशी खुशी ऋतिक की एक्स बीवी पहुंची एयरपोर्ट, लेकिन ये क्या, सुजैन के बॉयफ्रेंड का घर पर ही छूट गया पासपोर्ट। बिना आईडी के ही गर्लफ्रेंड संग अरसलान पहुंचे मुंबई एयरपोर्ट, नहीं दी सिक्योरिटी ने एंट्री तो मायूस होकर अपने घर गए लौट। जी हाँ, एक और जहाँ साल 2023 गुजरने में अब बस दो ही दिन का वक्त बचा है और ऐसे में आधे से ज्यादा बॉलीवुड सितारे भी नए साल का आगाज करने के लिए अलग अलग डेस्टिनेशंस पर पहुंच चुके हैं। कोई अपने लाइफ पार्टनर संग तो कोई फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाला है। तो इसी कड़ी में बॉलीवुड के ग्रीक गॉड यानी के एक्टर ऋतिक रोशन की एक्स बीवी सुजैन खान का नाम भी शामिल हो गया है। भाई आखिर सुजैन अपने बॉयफ्रेंड और टीवी एक्टर अली गोनी के भाई अरसलान गोनी के साथ न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए मुंबई से रवाना होने एयरपोर्ट जो पहुंची। आज सुबह ही बी टाउन के लव बर्ड्स सुजैन और अरसलान को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान ऋतिक की एक्स वाइफ को क्रॉप टॉप और डेनिम में देखा गया तो अरसलान को ऑल कैजुअल लुक में कैप्चर किया गया। लेकिन 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 एयरपोर्ट पर इस जोड़ी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इनके जश्न के रंग में पहले ही भंग मिला दिया। आखिर एयरपोर्ट पर ये कपल पहुंचा जरूर, लेकिन अफसोस जहां उन्हें जाना था वो वहां जा ही नहीं पाए। भाई सुजैन के बॉयफ्रेंड अपनी पासपोर्ट आईडी जो घर भूल गए थे। जी हाँ, जब ये कपल एयरपोर्ट पर एंट्री लेता है तो वहाँ मौजूद सिक्योरिटी ने उनसे उनकी आईडी मांगी। दोनों अपने बैग में पासपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें वो नहीं मिल पाता है। काफ़ी देर तक पासपोर्ट ढूंढने के बाद सुजैन और अरसलान ने सिक्योरिटी से भी बात की लेकिन उन्होंने इन दोनों को बिना आईडी अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं दी, जिसके बाद निराश होकर इस जोड़ी को वापस घर लौटना पड़ता है। इन दोनों के साथ हुई इस बात के सामने आने की देर ही थी कि लोगों ने उनका मजाक बनाना भी शुरू कर दिया। साथ ही कई यूजर्स ने सुजैन और अरसलान को ट्रॉल भी कर डाला। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, भाई झूठ बोल रही है, बस फोटो खिंचवाने आई थी। एक और ने कमेंट किया, मैडम आपने ऋतिक को भुला दिया, पासपोर्ट क्या बड़ी बात है। इनकी हालत का एक और ट्रॉलर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, रात को ज्यादा पी ली थी क्या। इतना ही नहीं, एक और शख्स ने कहा, बॉयफ्रेंड को भी घर ही छोड़ाती ना। इनके अलावा और भी कई यूजर्स इस तरह सुजैन और अरसलान का मजाक बनाते हुए नजर आए। बता दें कि सुजैन खान और अरसलान गोनी न्यू ईयर का जश्न एक साथ मनाने के लिए रवाना होने वाले थे लेकिन ये अपनी आईडी घर पर ही भूल गए। ऐसे में अब इन्हें दोबारा फ्लाइट लेनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर इनका मजाक खूब बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।